हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक पे बात करूंगा। आपको पता है कि वो टॉपिक्स कौन होंगे और ये शायद सेकेंड लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक पर। देन उसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो बना के, दोस्त जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से ना ही राजस्थान पर, ना ही बिहार बोर्ड पर और ना ही यूपी बोर्ड पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो अब भाई वहाँ पर भी मैं लग जाऊँगा कल से। साथ नहीं छोड़ूंगा आपका, एक वीडियोज़ आपके लिए भी डेली अपलोडेशन होगी, लेकिन एक एक वीडियो उन बोर्ड वालों के लिए भी अपलोड होगी। क्योंकि अब आप कमेंट बॉक्स में जाओ तो उन्होंने भी बोला कि भाई आप लोग, आपने साथ मेरा भी छूट गया, तो जिस तरह से आपका प्यार था उस तरह से उन लोगों था, यही है कि एमपी से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था इसलिए मैं लगा था। तो तीन टॉपिक बात होगी। पहला कि 2020 में जो 80% है उसका लैपटॉप कब मिलेगा। दूसरी जो बात होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपका 75% वालों का अभी वर्तमान स्थिति क्या। और थर्ड जो बात होगी फ्रेंड्स, वो होगी 2019 से 2020 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका भी तो मोस्ट ऑफ कमेंट आता है। तो एक वीडियो सोचा उन पर बना ही दूँ, लेकिन अलग से बनाने से अच्छा इसी में इंक्लूड कर दूं, ताकि वीडियोस भी कम हो और आपको इन्फॉर्मेशन 2020 के अलावा भी 2019 का दोनों का हो जाए। बात सीधी सीधी कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 के स्टूडेंट की जिसका 80% प्लस है और उन्हें लैपटॉप की तिथि, तो फ्रेंड्स आपको लैपटॉप की तिथि भले एक सप्ते का दी गई थी, यानी 7 दिनों के अंदर आपको लैपटॉप की तिथि मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आज 3रा दिन है। और मैं सच बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ, भले आप लोग शुरू में हेड कमेंट करते हो, लेकिन बाद में आप लोगों को भी पता होगा कि 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर मैं एकमात्र ऐसा बंदा था जो हमेशा इस डेट को नकारते रहा था और उस डेट में नहीं मिला था लैपटॉप, आपको याद होगा। तो अभी आपको लैपटॉप नहीं मिलेगी, सीधा सीधा समझो उपचुनाव से पहले, उससे पहले शायद ही लैपटॉप मिलने की संभावना है, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको लैपटॉप की राशि अभी आवंटित नहीं की जाएगी। और इसका कारण है कि अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका 80% से ऊपर है, 84 है 83 है, लेकिन उसका भी नहीं लिया गया। कुछ का ले लिया गया, मोस्ट ऑफ का ले लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं लिया गया। तो आप लोग थोड़ा सा अभी टाइम रखो, लगे रहना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि पता है कि आँख मुन एक कहावत ही बहुत फेमस है फ्रेंड्स, कि आपको इधर शादी कहाँ है तो आपको आवाज़ आ रही होगी गाने होने की, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बहुत ही कहावत है फेमस कि आँख मुनो और डब्बी गायब, तो आँख अभी बंद ना करना। और 80% वालों से निवेदन है कि भाई आप लोग 75% वालों के लिए भी लड़ो, क्योंकि ये बंदे भी शुरू आप में आपके ही साथ थे और अभी आप लोग इससे अलग हो जाओगे तो ये भाई गलत बात होगी। और दूसरी बात कहता हूँ कि मुझे लाइव परसों सुबह में मैं लाइव करूँगा 9 बजे, तो आप लोग लाइव सेशन में भी आना, क्योंकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको और अच्छी तरह से मिल जाएगी। बात करता हूँ 75% वालों के लिए। तो दोस्तों देखिए, 75% वालों लगे रहो, ट्वीट करना मत रुको, क्योंकि 30,000 बच्चे को लैपटॉप चाहिए, मैंने पता किया था। और ट्विटर अकाउंट पर मुश्किल से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो लड़ रहे होंगे। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, अगर लड़ना है तो सालो साथ मिल के लड़ो, ये मत करो कि 5-10 लड़ रहे हैं उसके बाद तुम बैठे रहो, तो ये मत करो। और थर्ड ऑफ मैं बता देता हूँ, और यही एक ऑप्शन है कि वीडियो को शेयर करो, अगर मामा जी तक वीडियो पहुँचती है तो मैं उनसे पिछले भी कई वीडियो में निवेदन कर चुका हूँ, मामा जी प्लीज़ आप 75% ही लैपटॉप देना, प्लीज़ आपका भांजा आपसे निवेदन कर रहा है। और थर्ड कमेंट जो मोस्ट ऑफ कमेंट आता था थर्ड, कि 2018 से 2019 के स्टूडेंटों के लिए कीजिए। तो देखिए 2018 से 2019 के जो स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ कि भाई आपका आवाज़ मैं उठाऊँगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन आपके लिए मात्र 5 दिन का समय है। आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे अभी 75% के लिए 2018-20 वाले बच्चे मांग कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग सारे के सारे कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चे एक साथ हो जाओ और सारे के सारे वीडियो को फैलाओ, हो सके तो एग्ज़ाम ऑफिशियल नाम से मैं ट्विटर हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से जाकर चेक कर लेना, वहाँ से जाकर फॉलो कर लेना, हो सके तो फॉलो नहीं करना तो ट्वीट को वायरल कराने में कोशिश करना, क्योंकि मेरे सारे ट्वीट मामा जी को टैग रहते हैं, अगर एक भी पहुँच गया तो फिर वहाँ से आवाज़ हमारी बन सकती है। वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। भाइयों ये ना करो यार, इतना हेल्प कर रहा हूँ तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अच्छे से जानकारी आपको दे पाऊँ। और कल से जितने भी बच्चे यूपी के हैं, कल नहीं तो परसों, क्योंकि लास्ट कल वीडियो मैं इस पर बना दूंगा और हो सकता है उसके बाद एक ही वीडियो बनाऊं लाइव या सेशन करूं, तो परसों से हम लोग यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और देन उसके बाद आपका एमपी बोर्ड के साथ साथ ही आपका चलेगा झारखंड बोर्ड और मुंबई बोर्ड के साथ साथ एक और जो मोस्ट ऑफ होगा वो यूपी बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड हम लोग लेकर चलेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुँच जाएगी परसों से। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।